डाउन टू द थ्री मैन एज वेल, बट स्टार के गॉड फ्री जहां पर पहले भी हमने देखा था खिलाड़ी नॉक, उनको रेव किया गया, वंस अगेन वही चीज होती है, प्लेयर नॉक एंड अगेन आपको जो रेव है वो भी होता हुआ मिल रहा है। आईक्यू यहाँ पे राइट साइड के ऊपर रहेंगे, वो कोशिश करेंगे जैसे आतिजी को मूवमेंट दे, उजम और आईक्यू मिलके यहाँ पे टीम आतिजी को एलिमिनेट कर सकते हैं। दिस इज द टाइम जब यूटिलिटी का इस्तेमाल किया जाता है, उजम भी कर रहे हैं, दिस इज एग्जैक्टली शिप को स्पॉट किया जाता है, आईक्यू की साइड से नॉक किया जाता है, बट आईक्यू खुद उजम रियलाइज नहीं करते कि थोड़ा सा ज्यादा अग्रेसिव होते हैं। टीम स्टार अब रश करना चाहती है, उनको अंदाजा हो चुका है कि हमारे पास एडवांटेज है, दो प्लेयर राइट दो प्लेयर लेफ्ट के ऊपर, एक प्लेयर आतिजी से जाके फाइट ले रहे थे, तो बाकी टीम स्टार आईएस से फाइट लेना चाहती है। आईक्यू पीछे की तरफ रहेंगे और अर्शद की किल कंफर्म कर लेंगे, रही सही कैसे उसामा यहाँ पे विल बी द नेल इन द कॉफिन। अब यहाँ पे 3v4 आ चुके, टीम सारा की तरफ मूव करना चाहती है, आईक्यू ने फोन जाके उजम को रिवाइव किया। ब्लेड, डू यू हैव एनी काइंड ऑफ डिफेंसिव यूटिलिटी जो कि इस्तेमाल कर सकते हैं? ब्लेड को स्पॉट कर लिया जाएगा और ब्लेड यहां पे रश करते हुए जाते हैं और यहां पे रश के ऊपर नॉक कर दिया जाएगा मेडिकल की साइड से, कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ब्लेड 2v4 में आ जाए जहां पे आईक्यू अब यहां पे काफी अच्छे से बता रही है, इनके कंधों के ऊपर आ चुके, उजम ने फर्स्ट विकेट जरूर लगाया लेकिन हेलमेट पूरा का पूरा टूटा हुआ, सर्कल भी आ चुका है और यहां पे दीवार के दूसरी पारी में टीम पूरी टीम का इंतजार कर रही है, लेकिन उसामा पीछे सुल्ताना पीछे से जाते हैं, मेडिकल यहां पे उनको सर्कल अराउंड करते हैं और मल्टीपल टीम सारी फाइट लेती है और देखते ही देखते चिकन डिनर अपने लिए कंफर्म कर जाती है। वंडरफुल परफॉर्मेंस है टीम का, ओवरऑल रैंकिंग